हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि मछली पालन में गोबर, तालाब में गोबर डालना एक अनिवार्य चीज़ बन गया है। जितने भी हमारे किसान भाई या मत्स्य पालक हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो गांव क्षेत्र के हैं, वो बिना गोबर डाले मछली पालन नहीं करते हैं। वो गोबर तो डालते ही हैं, खास करके जब हम IMC यानी रोहू, कतला, मृगल और कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, यानी कि IMC और कार्प का जब हम पालन करते हैं, तो उसमें गोबर डालना एक तरह से अनिवार्य माना जाता है ना, जो कि हमारे गांव क्षेत्र में, रूरल एरिया में बहुत आसानी से गोबर उपलब्ध भी हो जाता है। चाहे वो सुकर का गोबर हो या भैंस का गोबर हो या गाय का गोबर हो, यानी कि गाय का गोबर देखिए बहुत बेस्ट माना जाता है, बाकी जैसे भैंस के और सुकर के गोबरों के मुकाबले, क्योंकि इस पर बहुत सारा रीज़न है, उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना करके आप सबको ज़रूर बताएंगे। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हमें कौन से कब और कौन से गोबर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक होता है सूखा होता है, जो बहुत पुराना गोबर हो जाता है वो सूख जाता है, एक सूखा गोबर होता है और एक ताज़ा या गीला गोबर होता है ना, तो ये दो तरीके का गोबर होता है। तो गोबर तो किसान भाइयों को आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कब हमें सूखे गोबर का प्रयोग करना है और कब हमें गीले गोबर का प्रयोग करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि कब हमें ताज़ा गोबर का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें सूखे गोबर का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि कब हमें सूखे गोबर का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें ताजे गोबर का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपके जानकारी है तो हम आपको बता दें, गोबर का प्रयोग तालाब में इसलिए किया जाता है क्योंकि गोबर डालने से थोड़ा सा मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जिससे प्रोटॉन पैदा होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसे हमारी मछलियां खाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियाँ जो डायरेक्ट गोबर को भी खाती हैं, जिनमें से हो गया जैसे कि कॉमन कार्प है ना, गोबर में जो पुआल होता है, जो पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो सड़े गले होते हैं, वो पानी में पड़ता है, नीचे बैठता है, तो उसको कॉमन कार्प खाती हैं। ठीक है, तो अब चलिए आपको बताते हैं कब कौन से गोबर का प्रयोग करना है। देखिए, अगर आपका तालाब नया है, ठीक है, नया है यानी कि मतलब सूखा है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, नया का मतलब सूखा है या पानी नहीं भरा हुआ है, तो आप उसमें सूखे गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है? जैसे कि पूरे तालाब में गोबर को छींट देना है और छींटने के बाद उसको क्या करना है, ट्रैक्टर से जुता देना है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद उसमें पानी भर के सारी प्रक्रियाएं करने के बाद सीड स्टॉक करना, ठीक। और अगर मान लीजिए बाय द वे आपको, आप पानी भर रहे हैं, टाइम से आपको गोबर नहीं मिल पा रहा, आप उसमें पानी भर दिए, ठीक है, तो अगर आप पानी भरने के बाद अगर आप गोबर का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आपको सूखा ताज़ा गोबर मिले, ठीक है, ताज़ा गोबर यानी गीला गोबर मिले, ताज़ा गोबर मिले जो तालाब में डालने से ही नीचे जाकर के बैठ जाए। जब ताज़ा गोबर डालें पानी भरने के बाद, तो कोशिश करें या एक जगह उसको डालें या तो तालाब के जो चारों कोना होता है वहाँ पे आप छिड़काव कर सकते हैं गोबर का, ठीक है, पानी के भरने के बाद पूरे तालाब में उसका छिड़काव ना करें, जिससे पानी गंदा हो सकता है ना, तो उसको या एक जगह डाल दें या चारों कोनों पर उसका छिड़काव करें। देखिए, उस समय आप सूखा गोबर डालेंगे पानी भरने के बाद, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा जितना ताज़े गोबर से मिलेगा। सूखा गोबर डालेंगे वो पानी के ऊपर तैरेगा, ऊपर वैसे फैलेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा।
लेकिन ताज़ा डालेंगे तो वो नीचे जा करके बैठ जाएगा, उससे प्रोटॉन भी पैदा होगा और उसको मछलियाँ खाएंगी भी, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर तालाब नया हो पानी भरने से पहले हमको गोबर डालना है तो कोशिश करें सूखा गोबर मिले, एक आध साल दो साल छः महीना पुराना गोबर मिले, और अगर पानी भरने के बाद डालना है तो नया गोबर मिले, है ना, गीला वो गोबर मिले, ताज़ा गोबर डालना। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें कौन से गोबर का प्रयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। और किसान भाइयों अगर आप अच्छे क्वालिटी का IMC कार्प या कैटफिश में फंगाइसेस का सीड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। और किसान भाइयों जैसा कि हमने आपको मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड किया था मछली पालन से संबंधित कुछ जानकारी के नाते, जैसे कि आप मेरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पास कॉल करिए, मैंने इसलिए आपको अपना नंबर उसमें दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, वो ये पूछते हैं कि हमें मछली पालन के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी चाहिए। तो किसान भाइयों अगर हम आपको शॉर्ट में कितना भी जल्दी मछली पालन से संबंधित A to Z अगर आपको पूरी जानकारी देंगे कॉल से तो समझ लीजिए आपको कम से कम पूरा दिन, 24 घंटा, एक हफ्ता तक लग सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। देखने में मछली पालन इतना आसान लगता है लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। तो फिर सारे लोगों को 2 घंटा 4 घंटा या 10 घंटा फ़ोन पे बताना ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि दिन भर फ़ोन आता रहता है, फिर हमको भी अपना कल्चर, अपना जॉब देखना रहता है। तो किसान भाइयों हमने उसके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए एक ऑफ़र दिया है, जैसे कि आप एक हफ्ते का ऑफ़र है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। अगर आप मछली पालन के बारे में A to Z जैसे तालाब के जैसे तालाब बनाने जाते हैं हम लोग, उससे लेकर के कि मिट्टी की जांच कैसे करें स्टार्टिंग से, यानी कि तालाब बनाने से लेकर के उसके हार्वेस्टिंग तक अगर आप पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा है, क्योंकि किसान भाइयों आप सभी को मालूम होगा कि हर कोई पैसे के लिए करता है, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं वो भी जान लीजिए कहीं ना कहीं पैसे के लिए, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पैसे के लिए, क्योंकि आप हमारा वीडियो देखेंगे, उससे जानकारी लेंगे और फिर अपना कल्चर करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। यानी कि इस दुनिया में जो भी 90% लोग जितने भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके उसका सोर्स पैसे से जुड़ा होता है, उसका पैसा कमाना ही होता है। तो किसान भाई उसके लिए हमने एक हफ्ते का, एक वीक का हमने कोर्स रखा है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो उसका ज़्यादा फीस हमने नहीं रखा है, वो फीस है केवल 500 रुपये। तो आप वो 500 रुपये पेड करके ऑनलाइन लगभग पर डे आधे घंटा एक घंटा का और एक हफ्ते तक ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी दे देंगे, जैसे हमने लगभग मेरी यूट्यूब पर 150-200 वीडियो होंगी, तो वो 150-200 वीडियो को हम आपको एक हफ्ते में सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि जैसे तालाब बनाने से लेकर के और उसके हार्वेस्टिंग तक, मछली के मार्केटिंग तक, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में मिल जाएगी जो एक हफ्ते की होगी। तो अगर आप उसके इच्छुक होंगे तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, आपको हमारा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक मछली पालन से संबंधित नई जानकारी लेके आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।